तो भाई लोग कैसे हो। तो यार वेलकम दी बैक बैक दी वेलकम और स्वागत है आपका एक बिल्कुल ब्रांड न्यू पबजी द मोबाइल गेम प्ले वीडियो में। अब देखो इस वाले मैच में, मतलब मैच स्टार्ट होने से पहले ही मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे भाई का बहुत बुरी तरीके से कट चुका है भाई। हिलाने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, मतलब खेलना ही नहीं जम रहा है भाई, इतनी दिक्कत हो रही है हिलाने में भी। और हाँ भाई, अगर तुम कुछ गलत सोच रहे हो तो इसलिए मैं बता दूं कि भाई दूसरा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ अंगूठा कटा है, जिसकी वजह से हिलाने में, मतलब कि स्क्रीन घसड़ने में और उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है। तो इसीलिए वो इस वाले मैच में तुम्हारा भाई पूरा ठीक तरीके से खेल नहीं पा रहा था। बस यही बात है यार, वही गलत मत समझना, वैसे अंगूठा ही कटा है। तो चलो यार भाई आगे बढ़ते गेम प्ले के पास। देखो भाई अपन उतरे थे पोचेंगे और यहाँ पर अपना टीममेट तो साथ में आया नहीं था, मतलब वो कोई और ही देश में था, मतलब किसी और कंट्री में। फिर मैं यहाँ पर शुरू हो जाता हूँ, मतलब अपन पेटिया बनाना शुरू कर देंगे यहाँ पर। पहले तो यहाँ पर इसको मैं नॉक कर देता हूँ और इसका टीममेट आगे से M16 HR चला रहा है, मतलब सही M16 HR, हाँ बराबर वही चला रहा है। तो देखो भाई इसको तो मैं पूरा फिनिश कर देता हूँ। और मेरे पास ना हेलमेट तो लेवल 2 का था, लेकिन वेस्ट एकदम बेकार, मतलब लेवल 1 की थी। और गन भी अपने पास बैरल पड़ी हुई थी और प्लस उजी थी भाई उसके साथ साथ। तो भाई बैरल पे देखो अटैचमेंट तो अभी कुछ है नहीं, इसलिए रिकॉइल कंट्रोल हो नहीं पा रहा था अपने, तो इसलिए अपन ने दूर का सफर कनेक्ट किया नहीं। तो देखो भाई उजी से कदम मारते थे बंदे को, अब ये यहाँ से वहाँ पर कब चला गया भाई मुझे भी नहीं पता चला। अब भाई उसको मारते बराबर मैं यहाँ पर आता हूँ और सामने पर एक बंदा भागते हुए दिखता मुझे, वो दिखे वो लूट उठाने के लिए भाग रहा था या कुछ ऐसा ही कुछ। तो उसको मैं बैरल की 1-2 गोली चिपका देता हूँ और भाई फिनिश हो जैसा उसे 2-3 गोली और छिटका देता हूँ। और उतने में भाई फिर पीछे पे बंदे जो थे वो आगे आ जाते, मतलब अब रश करना शुरू कर देते हो। और अब बैरल को अपन 3x लगाएंगे और ये देखिए भाई टैप टैप भाई, ये किल चोरी नहीं हो पाया और मेरे आँखों के सामने ही मतलब उस बंदे ने उसकी पेटी बना दी। तो भाई इसको तो मारना बनता ही है। देखो पहले तो वो बंदा अंदर चला गया था, फिर बाद में देखो कैसा मारता है। अभी आगे आपको इससे भी ज़्यादा गलत सीन देखने को मिलने वाले हैं, मतलब अब खुद यार भाई आप खुद देखो भाई क्या ही गलत सीन होने वाले हैं। मतलब वही मैं अच्छा खासा जा रहा था समझो अपार्टमेंट की और तभी मेरे साथ गलत सीन हो जाते हैं, मतलब आगे आपको पता चलेगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप देखिए भाई वीडियो पूरा देखिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना भाई, और चैनल के साथ साथ वीडियो को भी लाइक कर दिया करो, क्यों तो भाई अपने को वीडियो बनाना अच्छा लगता है। मतलब ऐसे टाइम पास के लिए अपन डाल रहे, सब्सक्राइबर तो खैर हो ही जाएंगे इंशाल्लाह एक दिन, तो भाई अपने को इतनी गड़बड़ भी नहीं है, मतलब जैसा चल रहा है जो चल रहा है चलने दो। देखो भाई रेड जोन फट रहा था यहाँ पर और मैं पक्की लेकर पहले तो मैं मिलिट्री बेस निकल जाता हूँ, मिलिट्री बेस कर रहा हूँ मैं अपने क्या कहते हैं इसे, हाँ ब्रिज की ओर आ जाता हूँ, मतलब हाँ मिलिट्री बेस के ब्रिज की ओर आ जाता हूँ। और यहाँ पर मेरे को बंदा दिखता है भाई, पहले तो मुझे एक ही बंदा दिखता है, तो मैं कहता हूँ भाई कोई बात नहीं इसको बहुत आराम से मारेंगे। और जैसा कि भाई मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आपके भाई का बहुत बुरी तरीके से कट चुका है, मतलब कि अंगूठा, तो उस वजह से भाई अपने को खेलना बराबर जम नहीं रहा है। और ये देखिए भाई मतलब बॉट भी यहीं पर आ रखी है और ये बंदे भी यहीं पर आ रखे हैं। देखो पहले इस बंदे को तो एकदम आराम से मैं नॉक कर देता हूँ और ये दूसरा बंदा देखिए भाई इसका क्या ही ज़बरदस्त खेल रहा था। अब ये दोनों को सुलटाने के बाद हमारे बॉट भैया बचते हैं। और भाई इस मैच में ना बॉट से बंदों से ज़्यादा तो बॉट ने परेशान कर दिया, मतलब मैं यहाँ पर मैं सोचता हूँ कि भाई थोड़ी बहुत हीलिंग वीलिंग मिल लूँ, भाई मेरे को फुटप्रिंट की आवाज़ आती है इसलिए मैं स्मोक कर देता हूँ। और जब बाद में पता चलता है कि भाई वो तो एक बॉट था, तो भाई मैं ब्रिज की साइड आ जाता हूँ, मुझे लगा कि बंदे आएंगे पर कोई भी नहीं आया। अब भाई यहाँ से मैं जैसे ही अपार्टमेंट के लिए निकला ना, आप खुद ही देख लो क्या ही गलत सीन हो गया, मतलब बहुत ही खतरनाक। भाई मैं अपार्टमेंट के लिए निकल चुका था, अब ये यहाँ पर तक मैं आधे रास्ते तक आ चुका था, ये देखिए भाई। और ये देखिए
तो भाई तुम्हारा वही यहाँ पर फटाफट मोबाइल को फ्लाइट मोड पे डालकर निकालता एक बार। तो भाई मुझे तो लगा कि अब मेरा काम हो गया, मतलब पीछे एक बग्गी भी खड़ी हुई थी, मुझे लगा बंदा मुझे मार देगा, पर एंड टाइम पे मेरा नेटवर्क आ जाता है और मेरा टीममेट नॉक हो जाता है। तो अब मैं मेरे टीममेट की तरफ चला जाता हूँ, उतने में मेरे टीममेट की पूरी पेटी बन जाती है। और वही मैं वहाँ पर पहुँचने ही वाला था तब फिर से एक बार हमारे मोदी जी अंकल सामने आ जाएंगे। देखिए अब क्या, ये देखिए, ये हमारे मोदी जी आ चुके हैं अब सामने। ये देखिए भाई, ये देखिए, मतलब भाई फिर यहाँ से जो ही गलत सीन, भाई मैं पूरा जोन के अंदर था। और जैसे ही अब मैं वापस आऊँगा ना, आप ज़रूर देखना भाई मैं कहाँ पर था और कहाँ नहीं, मतलब मैं जोन के अंदर ही था इस टाइम तक। तो भाई बार बार सर्वर डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो जा रहा, मतलब यार भाई मैं क्या ही था, मतलब नेट का इशू था शायद। तो चलो भाई थोड़ी बहुत कोशिश करने के बाद मेरे को रिकॉर्डिंग हटा सब बंद करनी पड़ती है, फिर मोबाइल रिस्टार्ट करना पड़ता है। फिर मोबाइल रिस्टार्ट करने के बाद भाई जब नेटवर्क आता है अपना, तो ये देखिए भाई मोबाइल रिस्टार्ट कर दिया है मैंने और नेटवर्क भी आ चुका अपना। तो भाई देखिए भाई मुझे तो लगा कि मैं पूरा का पूरा गिलीज हो गया, मतलब सामने कुछ दिख ही नहीं रहा था। तो भाई वो वहाँ से अपन निकलते और सीधा जोन के अंदर आके इस घर में अपन थोड़ी बहुत हीलिंग वीलिंग ले लेंगे। और अब भाई गिने चुने चार पांच बंदे जो बचे हुए हैं उन्हीं को तो अभी चार पांच जो बंदे बचे हुए हैं इनको ढूंढ ढूंढ के मारना पड़ेगा। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ देखिए ज़रा, हीलिंग वीलिंग मिल के अपन इधर के साइड आते तो मुझे आगे से बग्घी जाती हुई दिखती है। मैं इस बग्घी का पीछा करता हूँ, ये देखिए भाई ये बग्गी तो इधर चले जाती है मतलब स्नाइपर टावर की तरफ। और वो ये देखिए अपनी बग्गी के गलत सीन, मतलब पूरी की पूरी पलट गई। भाई मैं उतरने वाला था वहाँ पर लेकिन मेरा कटा हुआ अंगूठा इस वजह से मैं उतर नहीं पाया, तो मैं दूर उतर जाता हूँ यार भाई। अब आगे पे मैं स्मोक फेंक देता हूँ भाई, और स्मोक फेंक के मैं थोड़ा बहुत आगे आ जाता हूँ और मेरे को यहीं पर ही ढूंढ रहा होता है, मतलब ग्रेनेड मॉली जो कुछ भी होता है उसके बाद वहीं पर ही कर देता है। तो उतने में ही क्या होता है कि भाई उतने में क्या होता है कि मैं इस साइड में आ जाता हूँ और भाई उसे पता भी नहीं था कि मैं यहाँ पर हूँ। अब भाई मैं ESP फेंकता हूँ और मैं उस बंदे को स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ, मतलब उसने स्मोक तो फेंक दिया था। तो अब देखो भाई कैसा मारते हैं इसको। पहले तो ये सप्रे मेरा कंट्रोल हुआ ही नहीं, मतलब ऊपर ही चला गया, मतलब जो अपना जायरो था, जायरो सकोप खेलते अपन उस वजह से। तो भाई मैं मोली कर लेता हूँ, फिर तभी वो बंदा भागने की कोशिश करता है तो बच जाता है। तो भाई यहाँ पर वो बंदा ख़त्म हो जाता। अब मैं सीधा गाड़ी लेकर निकल जाता हूँ आखिरी के जो दो बंदे बचे हुए थे उन्हें ढूंढने के लिए। देखो भाई मैं पहले तो ब्रिज के उस पार पूरा चक्कर लगा के आ जाता और मुझे कोई भी नहीं मिलता। तो अब देखिए भाई ये बंदा कहाँ पर मिलेंगे, आप खुद ही देख लीजिए। अब ये देखिए भाई, अब देखिए भाई देखिए ये बंदा यहाँ पर मिलेगा हमारे को। तो जैसे ही मैं गाड़ी पलटा कर वापस आता हूँ वो बंदा मुझे सामने स्पॉट हो जाता है। तो भाई मैं यहाँ पर गाड़ी से उतरता हूँ और सीधा आगे पर एक ESP फेंक देता हूँ। अब आगे पे ESP फेंक के मैं सीधा इस साइड में आ जाता हूँ, मतलब वो बंदा स्पॉट तो हो चुका था अपने को कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं। तो भाई उस साइड से एंगल नहीं मिल रहा था इसलिए मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको डायरेक्ट पूरा का पूरा फिनिश करके अपन सीधा जोन के लिए निकल जाते हैं। और वही शायद आखिरी का जो लास्ट का जोन होता है वहाँ पर हमारा ESP काम नहीं करता ठीक तरीके से, इसलिए बंदा मुझे स्पॉट हो ही नहीं रहा था वो लास्ट लास्ट में। तो देखो भाई यहाँ पर एक बंदा होता है एकदम लास्ट, तो यहाँ पर जो बंदा होता है उसे देखिए भाई हम कैसे मारते। भाई पहले तो मैं दूर ही रुकता हूँ कि तो अपना कटा हुआ है अंगूठा इस वजह से खेलना जम नहीं रहा है बराबर, इसलिए मैं यहीं पर ही उतरता हूँ यार भाई। और आगे एक ESP फेंक कर मुझे पता चल जाता है कि वो बंदा कहाँ पर है। तो भाई मैं यहाँ पर एक बेवकूफ़ी कर देता हूँ, मतलब सीधा ओपन से उस पर रश कर देता हूँ और अपने पास स्मोक कुछ था नहीं इस वजह से वही यहाँ पर बहुत बहुत बच गया तुम्हारा भाई, मतलब चिकन डिनर हो नहीं पाता यार अगर उसकी बैरल की एक से दो गोली और लग जाती मेरे को तो। और भाई यहाँ पर उसके अगर एक ब्लेड और कनेक्ट हो जाती तो यहीं पर ही अपना चिकन चुबन निकल जाता, मतलब उसी को मिल जाता चिकन विकन जो कुछ भी है।
देखो भाई, बंदे को इतना ज़्यादा डैमेज करने के बाद भी वो मर ही नहीं रहा था। मतलब उसके बाद लेवल 3 का हेलमेट था, लेवल 3 की वेस्ट थी। आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब सस्ता सप्रे यार भाई, समझ जाओ। देखो यहाँ से तो हमने तो ट्राई करे भाई, लेकिन बंदा मरा ही। और हाँ, ये बात तो मुझे आज पूरी पक्का कंफर्म पता चल चुकी है कि लास्ट के जो जोन में, एकदम आखिरी का जो जोन होता है, उसमें बंदा स्पॉट ही नहीं होता है। मतलब ESP काम नहीं करता हमारा, ये बात मुझे पता चल रही थी। और वो यहाँ पर मुझे लगा कि बंदा अब हिल बैटल करने के लिए रख जाएगा, मतलब कि। और यहाँ पर हम ट्राई कर रहे थे मतलब पट्ट से हेडशॉट देने की, मतलब वो चट्ट से या पट्ट से या फटाक से जो भी था, पर बस लग नहीं पाया अपना जो पट्ट से शट से हेडशॉट था। तो देखो यहाँ पर M4 से ही काम चलाना पड़ेगा। यहाँ पर मैं एकदम फुल बूस्ट वूस्ट मार देता हूँ। अरे देखो भाई, बंदे को मैंने पहले डैमेज दे दिया था ताकि वो जब क्लोज रेंज में आए तो पहले भाई उसके पास बैरल है, और बैरल की अगर और एक दो, और भाई बैरल की अगर 1 से 2 गोली में जब कनेक्ट हो जाती तो मैं शायद वहीं पर ही मर जाता। तो बस यार भाई लोग, आज की वीडियो में इतने। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तुम्हारा भाई रोज़ डेली ऐसे वीडियो डालते रहेंगे, हो सके तो इससे अच्छे इंटेंस एकदम ख़तरनाक वाले वीडियो डालता रहेंगे भाई। आप कमेंट में मुझे बताते रहिए, और नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए मतलब सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं यार भाई नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।